लद्दाख से भी दो Hey, so, what's up guys? मेरा नाम है मनोज और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा बड़ा होंगे। तो दोस्तों, फाइनली बहुत दिन के बाद हमारा एक जो है राइड फाइनली स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे यहाँ के जो ईस्टर्न घाट जो पर्वतमाला है उनका, उसका जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक, वहां पे अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से हमारे घर से जो है करीब करीब ये 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो अभी हम निकल चुके हैं, उसके पास पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम मेरे दोस्त के साथ अभी आए हैं, देख सकते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। और आगे यहाँ से आगे एक और रास्ता है जो जिस तरफ से थोड़ा सा रास्ता अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। तो चलिए चलते हैं महेंद्रगिरी और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि महेंद्रगिरी कैसा होता है। ओडिशा का जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम जो है थोड़ा बहुत ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा बहुत जो है रह गया है। तो देख सकते हो यहाँ से, देखो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये एरिया, आप देख सकते हो। देखो यार ये एरिया, देखो यार ये चेक करो आप, देखो ये हमारा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह जो फोटो वगैरह ले रहे हैं। और आप यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये बीच में से देखो किस तरह से दिख रहा है, क्या दिख रहा है यार, देखो यार हो गया। देखो कैमरा में इतना ज्यादा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जब आप यहाँ पे आओगे रियल अपनी आंखों से देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो यार कैमरा यहाँ पे जस्टिस नहीं कर पा रहा है, अब जब आप यहाँ पे आओगे तभी ये सब चीज आप जो है एंजॉय कर पाओगे, देख सकते हो। और घाट जो है रास्ता इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले से ही दिखाता हुआ आ रहा हूँ, देख सकते हो कितना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत है, आगे आपको दिखाऊंगा, सिर्फ मिट्टी का रास्ता है, पत्थर वगैरह बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह गिरा हुआ है। और देख सकते हो ये जो है आगे रास्ता है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे फोटो वगैरह खींच के, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार, तो दोस्तों देख सकते हो रास्ता यहाँ पे, देख सकते हो रास्ता है ही नहीं यार, देखो कितना ज्यादा खराब रास्ता है, देखो। तो दोस्तों देख सकते हो अभी थोड़ा सा जो है अच्छा रास्ता आ गया है, और देख सकते हो कितना ज़्यादा टर्न यहाँ पे है। ये जो है घाट सेक्शन है, पहले जो घाट मैंने आपको दिखाया वो रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो है रास्ता थोड़ा सा अच्छा आया है। और चारों ओर का नज़ारा आप थोड़ा सा देख लो, देखो भाइयों देखो किस तरह का रास्ता है, लद्दाख से भी दो गुना, लद्दाख तो लद्दाख भाई के लद्दाख क्या जा रहे हो, उड़ीसा में आ जाओ, ये रास्ता देखो रास्ता है ही नहीं इतना समझ, लद्दाख में तो रास्ता थोड़ा है, देखो यार इतना ज्यादा खराब है रास्ता, ये बोले तो उड़ीसा का लद्दाख है। फाइनली महेंद्रगिरी, सो दोस्तों फाइनली वी अराइव्ड एट महेंद्रगिरी जो गेट है वहां तक अभी जो है हम आ चुके हैं। और यहां पे देख सकते हो बाइक के लिए जो है 20 रुपीज का टिकट लगता है, और यहां से अभी जो है हम ऊपर जाएंगे। तो चलिए बाइक को लेके चलते हैं ऊपर, और यहां से आपको जो टिकट काटना है, देख सकते हो 20 रुपीज। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
तो गाइस फाइनली वी रीच महेंद्रगिरी। बाल को थोड़ा सा इग्नोर करना यार, हेलमेट लगा के किस तरह हो गया है। तो दोस्तों अभी हम जो है महेंद्रगिरी हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं और हमारा बाइक को यहाँ पे पार्क में लगा दिया है। तो पीछे का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पीछे का नजारा आपको आप थोड़ा सा देखिए और एंजॉय कीजिए किस तरह का दिख रहा है महेंद्रगिरी, हेवन ऑफ उड़ीसा। तो दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार व्यू को एंजॉय करो। इस रास्ते से जो है हम अभी आए हैं और ये व्यू को थोड़ा सा देखो यार, किस तरह का एरिया है यार, क्या लग रहा है यार। धूप के वजह से ठीक से आपको दिख नहीं पा रहा होगा, कैमरा इतना ज्यादा जस्टिस नहीं कर रहा है। देखो किस तरह का एरिया दिख रहा है पूरा, देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही खुला खुला, बहुत ही बढ़िया जगह है, पीसफुल जगह है। और ये रहा हमारा बाइक वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। ये दो बाइक लेके अभी हम आए हैं और ये हमारे दोस्त लोग जो है फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और नजारा देखो यार, इसके लिए ही तो हमने पैसा खर्च किया है। देखो और यहाँ पे जो हिल टॉप आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे एक टेम्पल है, तो अभी हम वहां पे भी अभी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ऊपर से जो रास्ता दिखा था वहां से जो ये रास्ता यहाँ आके एंड होता है और यहाँ पे जो है माता कुंती का मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वे टू कुंती टेम्पल, इसको कहते हैं माता कुंती का टेम्पल। तो चलिए चलते हैं नीचे। लगा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक मंदिर है, आपको ठीक से दिख पा रहा होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा पुराना ही मूर्ति है, देख सकते हैं। तो ये रहा माता कुंती का मंदिर, इसको बोलते हैं माता कुंती का टेम्पल, देख सकते हैं यहाँ पे पुराने मूर्तियां वगैरह हैं। ये है माता कुंती जी का टेम्पल और ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। हमने यहाँ से यहाँ के एक लोकल से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मूर्तियों को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्राचीन है। और उसके चारों और मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और ये रहा कुंड और इसके चारों ओर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये गणेश जी का मूर्ति है, बहुत देख सकते हो बहुत ज्यादा प्राचीन है। देख सकते हो ये रहा मंदिर है, ये कितना ज्यादा प्राचीन है। और ये भाई जो है यही बोल रहे थे, ये बढ़िया है पूरा पिछु रास्ता भाई जन वाइड के रास्ता तुरुबुड़ी। तो दोस्तों दर्शन हो गया, तो अभी हम चलते हैं, जाएंगे ऊपर वाला मंदिर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शू वगैरह पहनते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए शू वगैरह। दोस्तों यहाँ पे कुंती मंदिर से हम जो है ऊपर आ चुके हैं और बाइक हमने पार्क पर लगा दिया है और अभी हम जा रहे हैं युधिष्ठिर मंदिर, युधिष्ठिर टेम्पल अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं युधिष्ठिर टेम्पल। ये देख पा रहे हैं
ये है युधिष्ठिर टेम्पल। अगर आपको उड़िया पता है तो ये आप पढ़ सकते हो, युधिष्ठिर टेम्पल। तो चलिए चलते हैं युधिष्ठिर टेम्पल, देख सकते हो ये रहा युधिष्ठिर टेम्पल। तो चलिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं। जो भी देखना है पढ़ना है आपको पॉज करके पढ़ लेना, तीनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ कितना पुराना ये सब मंदिर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस लिए रखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जाते वक्त हम भी इस तरह से पत्थर रख के जाना पड़ेगा। देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे पत्थर रख के गए हैं, कुछ मान्यता होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं लोग। तो ये रहा युधिष्ठिर टेम्पल, तो चलिए अंदर चलते, चलिए अंदर चलते युधिष्ठिर टेम्पल। ये यहाँ के पुजारी होंगे। तो मंदिर के अंदर से ये देख सकते हो ये है युधिष्ठिर टेम्पल, देख सकते हो कितना ज्यादा पुराना है। अभी मैं अंदर का ये दिखा रहा हूँ, तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, दर्शन कर लिया है, चलिए चलते हैं बाहर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा युधिष्ठिर टेम्पल, जो कि आपको अभी मैंने दिखाया अंदर से युधिष्ठिर टेम्पल। और यहाँ से अभी हम चलेंगे तो भीम मंदिर जाएंगे ऊपर। तो चलिए शू वगैरह लगाते हैं और ऊपर चलते हैं भीम मंदिर। तो दोस्तों फाइनली ये रहा युधिष्ठिर टेम्पल, और यहाँ से अभी हम जो है ऊपर जा रहे हैं भीम टेम्पल की ओर। और अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो पानी का बोतल जरूर से लेके आना। तो चलिए चलते हैं ऊपर, क्योंकि आपको प्यास लगेगा, बहुत ज्यादा चढ़ाई है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, बीच बीच में आपको नजारा दिखाता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं, है ना हिंदी डी बोलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ऊपर चढ़ते हैं ऊपर चढ़ 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 और जाते हैं। देखो ये जो ऐसे वाला मंदिर है, भीम मंदिर, भीम मंदिर है, मंदिर दर्शन के लिए हम चल 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 जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो टाइम अभी हो रहा है, कितना हो रहा है, 11:59 यानी कि 11 अभी बजने वाला है। अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, अभी से ही पैर में दर्द होना चालू हो गया है। तो चलिए चलते हैं, वो रहा भीम टेम्पल ऊपर। तो चलिए चलते हैं, और आगे लोग वगैरह जा रहे हैं और हमारे भाई लोग यहाँ पे भी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम जो हैं भीम टेम्पल में आ चुके हैं, देख सकते हैं। और मैं यहाँ से उसके अंदर से यहाँ पे आया, और देख सकते हो पीछे रहा भीम टेम्पल, और ऊपर से नजारा कुछ ऐसा है, देखो यार। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा भीम टेम्पल, और पीछे से देखो यार नजारा, देखो यार ये जो पूरा टॉप है, ये जो है पूरा टॉप है, देखो यार किस तरह का दिख रहा है एरिया। और देखो यार ये है ईस्टर्न घाट पर्वतमाला, देख सकते हैं। और वहां पे भी है, जाना है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी हम नीचे चलते हैं, चलिए। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ से निकल के आना होता है, देखिए कितना सा गैप में आपको अंदर से जाके यहाँ से निकल के आना होता है। कितनी कितना गैप है, इसके अंदर से आपको आना है, इसके अंदर से। आ मंदे के तो मोटा हीरी पड़ जाउचे, मु अब तो खाली दुआली रे आछे रे भीतर मोर जे शिव शंभु हर हर शंभु। अगर उस वाले गैप से अगर आप आ गए, तो अगर आप
कोई ऐसा मान्यता है कि अगर आप कोई पाप वगैरह के है तो वहां से आप नहीं आ सकते, अगर कुछ नहीं किया है तो वहां से आ सकते हैं, ऐसा मान्यता है, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मैं वहां से आ गया, लेकिन हमारे ये भाई नहीं नहीं आए पाए। हिंदू जी कौन? मैं थ्री बार आया था ना, आएगा ये तीन बार मैं तीन बार, ये कुछ नहीं आ गए यहाँ से। तो चलिए नीचे चलते हैं, नजारा देखिए। तो चलिए नीचे चलते हैं, चलिए चलिए। तो दोस्तों फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं नीचे। तो चलिए नीचे चलते हैं, ऊपर आते वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी लेकिन अभी आराम से नीचे जाएंगे। चलिए मोरो सब रोहिला, सुबह से हमने थोड़ा सा जो है सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 12:02 हो रहा है, तो अभी नीचे जाएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे, भूख लग रहा है, चलिए जल्दी चलते हैं नीचे और खाना खाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। दोस्तों फाइनली नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पे किस तरह से पत्थर वगैरह रख के गए हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से निकल के चलेंगे, तो मैं भी थोड़ा सा रख लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैंने रख लिया और ये मेरा दोस्त अभी रखने जा रहा है, वो रखेगा, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली हम जो है घूम के नीचे आ चुके हैं दर्शन वगैरह करके, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब भी आप महेंद्रगिरी आते हैं तो पहले आप क्या करना, कुंती मंदिर चले जाना, कुंती मंदिर के बाद दर्शन करके आप युधिष्ठिर मंदिर चले आना, उसके बाद आप भीम मंदिर जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इस जगह को एक बार जरूर से जरूर विजिट करें। तो दोस्तों तब तक के लिए रहते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।